से वोट दे उधर मेटा से। लाडनू विधानसभा क्षेत्र का विश्वनाथपुरा गांव है और गांव से जब हम निकल रहे थे हमारे कुछ भाई काम पर जा रहे हैं इसलिए हम रुक गए और इनके मन में क्या चल रहा है हमने ये जानने की कोशिश की। बताइए सर, चुनाव आ रही है करने, नवंबर में चुनाव होना है, कांग्रेस को हार, बीजेपी को कमल को फूल, और भी कई निर्दलीय भी आ सके, कोई और भी आ सके, अलग अलग लोग खड़े हुए भारत थाके कहीं मन में चल रहे, पार्टी ने वोट दियो के आदमी ने देख वोट दियो कहीं चल रहे पार्टी इंडिया में तो पार्टी इंडिया किसी पार्टी कांग्रेस है कांग्रेस है मोदी खुश को नहीं है कांग्रेस में मतलब महाराणी खुश को नहीं ठाकर साहब साहब अगर माका करता नहीं जहाँ पहले कर देता मकान बने एक सेकंड महिलाएं जा रही है सीधी गाड़ी को देख करके। अच्छा साहब राम राम, पहले तो आप बताओ कि अब चुनाव आ रही है वोट वोट किन दे मर क्यों दे दियो मर क्यों वोट दे दियो तो बहुत बड़ी बात होती है बताओ थे बताओ थांका मन में किन जस में लियो मन में कहने चले बात सरकार चले थे किन दियो चेंज हुई थे किन दूजी के ने दियो हारो कहीं जस में लियो है या गराला ने पूछ कर दियो थांका मन में भी तो क्यों लो कभी माना आ पार्टी चौकी लगे वो आदमी चौको लगे वो माके काम करे वो माकी सुने ये तो बोलो मन में कौन सोलिद करी आल ताई मगर कोई कौन करी जरा फिर वोट कैन देशो चलिए तो मन में करिया बोल भी मन को साथ दियो नहीं गवर्नमेंट साथ कौन दियो सही नहीं सुन करिया डाणे ऐसे की उठा है बड़ी उठा गरीब उठा है ना बताओ उठा है तो वोट तो देशो बाकी देखो सरकार माने लोन देर माका मकान बना दिया माके मीटर लगा दिया अब क्यों तोड़ो अब तोड़ रहे हो सरकार की गलती ही बस सरकार की गलती ही पहले बट मकान बनाया क्यों पहले मकान बनाया क्यों माने लाइट कनेक्शन क्यों दिया लाइट कनेक्शन सब अब के तोड़ दिया लैट्रिन बाथरूम बनाया ये बात इनकी वाजिब है सरकार को पहले सोचना चाहिए था अब जब बना दिया है तो फिर तोड़ना क्यों और अब भी अगर तोड़ना पड़ रहा है तो इनके लिए जगह दूसरी कौन सी है इनको जगह बतानी चाहिए अगर किसी वजह से दूसरी तो दूसरी व्यवस्था उसमें क्या तकलीफ सरकार ने हमें नोटिस दे दिया कि आप तोड़ेंगे हम तो चलो साहब बिल्कुल बिल्कुल सही बात हाँ बोलो साहब बोलो बोल रही हो स्कूल करी बहुत सुंदर बात है महिलाएं शिक्षा चाहती है ये बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है हमारे यही दसवीं तक यही पढ़े बिल्कुल उसमें हमारा फायदा दूसरे गांव में कैसे बिल्कुल 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 बहुत सही बात है विश्वनाथपुरा से लोगों की बात आई है एक तो इनके मकान जो तोड़े जा रहे हैं इनको ये समस्या है महिलाएं बोल रही है हमको वो सुविधा ही नहीं मिल रही है और हमारी बच्चियों के लिए स्कूल की यहाँ आवश्यकता है कुल मिलाकर लोग ये कह रहे हैं कि जो भी पार्टियां यहाँ आई है उन्होंने काम नहीं किया काम नहीं किया यही बात है यही बात है पक्की खरी बात जा रही है भारत प्रभु कोई बनेड़ी बात को नहीं पानी के लिए भी दुख पा रहे हैं पानी के लिए भी दुख पा रहे हैं कोई काम नहीं करिए सफाई भी नहीं है
और संसाधन भी नहीं है, स्कूलों की व्यवस्था भी नहीं है। महिलाएं क्या बोल रही थी कि आपके लिए क्या नहीं है, वो संचित क्या बोल रहे थे आप, चयनित ठीक कौन करियो, कोई मैंने सोलित माने देड़ो नहीं, कोई राज्य सरकार को मांगे की आईडो नहीं, मैं कहीं सरकार को कहा फोन पूछो कुछ पूछो मोदी सरकार वसुंधरा सरकार बीजेपी दी है हटाई कर काम हसी खरे घरे अच्छा बनी कौन बनी हाँ हटाई कर साधन कहीं दियो मैंने कमाई को साधन दियो बेरोजगार एक बात है राजस्थान की इस ग्रामीण संस्कृति में समीकरणों का कोई पता नहीं चलता, महिलाएं अचानक अपना रूप पलट सकती है। फोन की बात पर उन्होंने वोट देना भी स्वीकार कर लिया, पहले विरोध कर रही थी अब उन्होंने स्वीकार कर लिया है, इसलिए यहाँ के यहाँ का आंकलन करना अभी बड़ा मुश्किल है, पता नहीं लोगों के मन में क्या बात चल रही है। बहुत बहुत आभार सर, राम राम।